बड़ा है, दूर से देखने में नहीं दिखता है लेकिन यहाँ से बड़ा। लाइटिंग देखिए रात में होगी तो और खूबसूरत लगेगा। वाह ना बड़ा दर। फाइनली बैठ चुके हैं हम लोग रिक्शे में और अभी निकल रहे हैं अंबेडकर पार्क, जो कि वहाँ पे क्या क्या भैया हाथी है और पार्क है पूरा। तो चलिए वहाँ पे दिखाएंगे आपको। देखिए टेम्पो हमें हमारा चल रहा है और ये कुछ लखनऊ का थोड़ा मोड़ा भी रोड का। बारह बज के 14 मिनट देख लीजिए आप। अभी आ चुके हैं हम लोग अम्बेडकर पार्क में और यहाँ पे चलेंगे आपको दिखाएंगे। और देखिए अभी हमारे साथ हम हैं, भैया हैं और एक भाई और हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। प्रवेश निःशुल्क है यहाँ पे, देखिए समय भी लिखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं अभी हम। देखिए अब घुसते ही कुछ ये बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही बेहतरीन बना है। और हाँ बनाओ और दिखाते हैं आपको। धीरे धीरे आ गए हैं, अब धीरे धीरे सब बनाएंगे। ये फाउंटेन गाइस बहुत ही खुले में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो कि ठंडा थोड़ा लग रहा है एकदम कूल। तो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर पे और टिकट कटाते हैं, उसके बाद फिर जो है दिखाएंगे आपको अंदर चल के। गाइस देखिए टिकट ले चुके थे और एक टिकट का 15 रुपये पर पर्सन पड़ा था। और अब चलिए अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। और एकदम अभी तो धूप बहुत ही तेज है, मान लीजिए जो है हालत ख़राब है। देखिए सामने यहीं से जो है प्रवेश द्वार है, यहीं से एंटर करेंगे हम लोग। और ये टिकट चेक करने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए टिकट दिखा दो, चलिए यहाँ पे हो चुके हैं हम लोग प्रवेश अंदर। वाकई बहुत ही खूबसूरत। देखिए भैया अपना ब्लॉग बना रहे हैं, हम अपना ब्लॉग रेडी कर रहे हैं। ये देखिए वाकई बहुत ही खूबसूरत है बना है अंबेडकर पार्क। धूप बहुत तेज है और देखिए जमीन पे जो है पानी है, जो कि अच्छा लग रहा है चलने में। इधर फ्लावर्स भी हैं, देखिए अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी हैं। और चलिए अब आपको जो है आगे दिखाते हैं हाथी उठी जो लगा हुआ है। हमारे भैया का भी चैनल है या ब्लॉग, ये देखिए वाकई बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन अब चलिए और आगे चल के दिखाते हैं आपको। अभी तो फिलहाल चल ही रहा हूँ, देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके थे अंबेडकर पार्क में। और ये सामने जो सुनो ना संगमरमर गाना जो अजीत सिंह का फेमस हुआ था, वो यहीं पे शूट हुआ था अंबेडकर पार्क में ही। और देखिए यहाँ पे प्रवेश द्वार कैट हुआ, देखिए एक इधर है, एक सामने है और एक यहाँ पे सीधे सीधे। और ये कुछ इंट्रेक्शन वो है, आप पढ़ सकते हैं इसको। देखिए ये देखिए, और यहाँ पे पेड़ पौधे और ये सब हाथियाँ बहुत ही बेहतरीन। वैसे ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा कम ही ब्लॉग करूँगा।
ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। और ये सब देखिए पेड़ लगे हुए हैं, मैं समझ रहा था पहले प्लास्टिक का, लेकिन ये रियल है पूरा। देखिए वाह भाई, देखने में लगता है ये नज़दीक है लेकिन है ये दूर। सभी हम लोग देखिए आ चुके हैं फाउंटेन के पास, फिर से फवारे के पास। और वाह भाई कितना बेहतरीन लग रहा है, देखिए इधर सब फ्लावर्स लगे हुए हैं लगातार पूरा अम्बेडकर पार्क में। और ये देखिए, और इधर सब देखिए एलिफेंट जो कि बहुत ही दूरी तक है। ये देखिए पूरा लास्ट, अभी वो भी आपको दिखाएंगे आगे से भी। अभी फ़िलहाल ये इंजॉय करते हैं हम लोग फाउंटेन। ये देखिए फव्वारा जो निकल रहा है, वाह भाई बहुत ही। तो गाइस सभी देख सकते हैं हम लोग आ चुके थे फाउंटेन के पास, और अब आपको डिटेल में थोड़ा सा आगे से दिखाएंगे। अब वैसे धूप बहुत ही तेज़ है, लेकिन मार्च का महीना है तो उतना नहीं लग रही है, लेकिन अगर यही जून जुलाई में आते तो हालत ख़राब हो जाती, जान लीजिए। फिलहाल ये देखिए सब हाथी, हाथी के पास हम लोग आ चुके हैं, तो आपको दिखाएंगे सही से पूरा फ्रंट से दिखाते हैं आपको। भैया ये देखिए, ओहो क्या व्यू आ रहा है आगे से, वाह। ये देखिए लगातार आगे से व्यू जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तगड़ा आ रहा है व्यू लगातार। देखिए हाथी ही हाथी, बहुत बढ़िया। अच्छा मायावती जी ने पार्क बहुत ही बेहतरीन बनवाया है, वाह बहुत ही अच्छा पार्क, खूबसूरती के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत खूबसूरत। और सामने देखिए कुछ लगता है मैप, क्या वो अभी के लिए दिखाएंगे आपको हम। देखिए हम लोग आ चुके थे पार्क में, और यहाँ का देखिए अम्बेडकर पार्क का कितना खूबसूरत बना हुआ है, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और अभी सीढ़ी है बहुत ही ऊपर, देखिए वहाँ तक सीढ़ी है। अभी तो धूप बहुत तेज़ है, लाल एनर्जी सब खत्म हो गई है, बहुत ही कम बची है एनर्जी। और भैया देखिए ब्लॉग बनाते हुए, तो चलिए अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको जो भी रहेगा। वाह भाई हर जगह मार्बल एंड टाइल्स, मार्बल ही है टाइल्स नहीं है। बाहर से देखने में कितना छोटा लग रहा था भैया, इधर से देखो कितना बड़ा लग रहा, नहीं वाह भाई। ये देखिए बाप रे बाप बड़ा है, दूर से देखने में नहीं दिखता है लेकिन यहाँ से बड़ा। लाइटिंग देखिए रात में होगी तो और खूबसूरत लगेगा, वाह इतना बड़ा दरवाजा। अरे भैया अरे भैया लाइटिंग, लाइटिंग देखिए लाइटिंग, हाँ यहाँ पे बहुत ठंडा है, वाह कूलिंग। बहुत ऊँचाई ऊँचाई बना है भाई, तो लाइटिंग अच्छी लग रही है यहाँ पे। ये देखिए बाबा साहब, ये अंदर की सीन है कुछ इस प्रकार। गाइस देख सकते हैं अभी आप लोग हम आ चुके हैं अंदर, और बाहर के देखने में छोटा लग रहा था जो कि अब अंदर से देखिए काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। आप चलिए तो गाइस वीडियो को करते हैं पेंड, और जो कि बहुत ही थक चुके हैं इस समय, और बहुत ही तेज़ धूप है तो जान लीजिए एकदम हालत ख़राब है। और मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा। और अभी तो आगे और ब्लॉग आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप नए आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।